बड़े बड़े नेशनल अदारे हैं, PIA है, रेलवे है, पाकिस्तान स्टील मिल है, ये वो अदारे हैं जिनकी जिसकी वजह से किसी मुल्क की पहचान होती है पूरी दुनिया में, तो वो इसको सेल करने का सोच रहे हैं और वो भी अमेरिका चाइना को देने का सोच रहे हैं। क्या समझते हैं इसके पीछे किसकी साजिश है? पाकिस्तान हमारा ऐसा मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है हमें, और हम एक एटमी सुपर पावर हैं। इसीलिए बोलता हूँ ये सस्ते नशे बंद कर दो, फिनाइल पीने में कुछ नहीं रखा पाकिस्तानियों। सही पकड़े हैं, इसराइल एटमी पावर है, सुपर पावर इंशाल्लाह बनेंगे, है भी और बनेंगे भी, सुपर पावर है इंशाल्लाह, क्यों नहीं है, अल्लाह के फजल से है। अच्छी लंड मेरा। इंडिया और इसराइल चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाए, लेकिन हम मौला इस्लाम के मानने वाले। इंडिया ये चाहता है कि हमारा जो मुल्क है वो नक्शे से मिट जाए, तो फिर इंडिया क्यों चाहता है? हमें हर बात पे, इवन पाकिस्तान में अगर लाइट भी चली जाती है ना रात को वो 2 बजे, तो वो पाकिस्तानी कहते हैं ये भी इंडिया ने लाइट भेजी है। आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नमूने को। तो आपको पता ही होगा पाकिस्तान में आर्थिक हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो वहाँ की सरकार ने एक एक करके पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को बेचना शुरू कर दिया है, रेलवे वगैरह सब। तो वहाँ के पत्रकार अपनी जाहिल आवाम में निकले हैं ये जानने के लिए कि इस पर आवाम का क्या रिएक्शन है, इसमें किसका हाथ है, इंडिया का हाथ है, अमेरिका का हाथ है। अब आप जानते ही हो ये पाकिस्तानी उसमें इंडिया का नाम ना लें। ओ भाई, इंडिया कैसे जाता है, क्या वजह है, इंडिया क्यों जाता है ये बताएं। वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। ये बताएं, अमेरिका को छोड़े आप अफगानिस्तान से भीख मांग रहे हैं, एक कैन की रोटी नहीं खा सकते भाई। पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है और वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो नहीं करता। आपको लगता है पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है? अभी जो मौजूदा हालात जा रहे हैं अभी तो नहीं जा रहा, इमरान खान आएगा तो इंशाल्लाह जाएगा। ठीक है, तो इमरान खान भी पहले 3-4 साल रह के जा चुके हैं, और जितना कर्जा इमरान खान साहब की हुकूमत में लिया गया है IMF से, उतना कर्जा तो शायद कभी लिया नहीं गया, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वो 50 साल से मुल्क को लोगों ने बर्बाद किया, लूटा है। आहिस्ता आहिस्ता एक बंदा ठीक करता है ना, आहिस्ता आहिस्ता ठीक करता है। आप ये बताएं, इंडिया ने, आपने बोला इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान का नक्शा नाम नक्शे से, दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए, इंडिया क्यों चाहेगा ये आज मुझे रीज़न बताएं, ताकि इंडिया से जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता चले कि इंडिया इसलिए चाहेगा। इंडिया का इसमें बड़ी वजूहत हैं, जिसके मिसाल दो रहा के मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हम मुस्लिम मुल्क हैं और वो बर्दाश्त नहीं करते हिंदू के मुसलमान तरक्की क्यों कर रहे हैं। मुसलमान रुको जरा, सबर करो, पहले नंबर पे मुसलमान की बात नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही है, और पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं रहा तो वो बर्दाश्त करने की बात ही नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर आप मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान अफगानिस्तान भी मुसलमान कंट्री है, और जितना वो मुसलमान कंट्री है उतना शायद इस एशिया में इस टाइम कोई मुसलमान कंट्री नहीं है। तालिबान की हुकूमत है, पूरा शरी निज़ाम वहाँ पर नाफज है, वो इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात हैं उनके, फिर पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि इंडिया या मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? मैं इस ये बात करूंगा मुख्तसर सी आपसे कि जो हमारा जो मुल्क है ना वो माशाल्लाह एक अच्छी कंट्री है। बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बताऊं, और हम आजाद हैं। जाहिलो, जब तुम इतनी बड़ी आजाद कौम हो तो आजादी क्यों मांगते हो? तुम्हारा वो इमरान खान बात बात पे आजादी क्यों मांगता है? हमारे बच्चों ने, हमारी फैमिलीज ने, हमारे नौजवानों ने, सब ने निकलना है इस मुल्क को आजाद करने के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ पे, और बाहर जाके देखें कि लोगों को थूकने की जगह नहीं छोड़ देंगे तो पाकिस्तान ही डूब जाएगा। और इंडिया ने, जब इंडिया के सारे जो जितने भी लोग हैं ना वो सिर्फ थूक ही फेंक दें, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पानी छोड़ने की तो बात क्या है। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा ये जहालत से भरा हुआ पाकिस्तानी नमूना? हम आपके लिए ऐसे नमूने पकड़ पकड़ कर लाते रहेंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।